हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में 2 रुपीज के कॉम्युनिटिव कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाई देगा, इस ये जो कॉइन है 2 रुपीज का देश बंधु चित्रेंद्र दास का कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करें तो इसकी जो मिंटेज हुई थी, यानी जो कॉइन इश्यू हुआ था, 1998 में हुआ था। दोस्तों, अगर कॉइन के मेटल की बात की जाए तो कॉइन का जो मेटल होता है कॉपर निकल होता है। कॉइन का वेट अप्रॉक्स 6 ग्राम्स तक होता है और कॉइन का जो साइज, यानी कॉइन का जो डायमीटर होता है 26 mm तक होता है और कॉइन का शेप 11-sided शेप होता है। दोस्तों, इस कॉइन को 3 मिंट ने इशू किया था, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। दोस्तों, ये कॉइन, इसमें एक ऐसी वैरायटी थी, यानी एक ऐसे मिंट का कॉइन था जो कि बहुत ज्यादा रेयर था। 2 रुपीज का सबसे ज्यादा रेयर कॉइन है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अगर इसमें कोलकाता और नोएडा मिंट का जो कॉइन आता है उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 5-10 रुपए पर पीस तक होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो भी कलेक्टर्स खरीदते हैं क्योंकि ये कॉइन थोड़े नॉर्मल है, कॉमन कॉइन है। लेकिन जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है, ध्यान से सुनिएगा, जो हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 5-7 हजार रुपए पर पीस होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इससे ज्यादा वैल्यू हो भी सकती है, उससे थोड़ी कम भी हो सकती है। जैसी कंडीशन होगी कॉइन की, वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती और घटती है। और मार्केट में जैसी अवेलेबिलिटी रहती है कॉइन की, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू थोड़ी घटेगी, लेकिन अगर कम है तो वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये कॉइन 2 रुपीज का बहुत ज्यादा रेयर कॉइन है, आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, 2 रुपीज का देश बंधु चित्रंजन दास का कॉइन हैदराबाद मिंट का बहुत ज्यादा रेयर है। इसकी वैल्यू 5-7 हजार रुपए पर पीस, इससे कम तो कहीं मिलेगी नहीं आपको। कोई किसी भी डीलर को सेल करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो, लेकिन इससे कम वैल्यू नहीं है इसको। आपको पहले बता दीजिए, आपके साथ फ्रॉड ना हो या आपको और ज्यादा महंगे में कोई बेच ना दे या कम सस्ते, क्योंकि इससे जो इसकी जो 5-7 हजार वैल्यू अप्रॉक्स प्राइस है, इससे बढ़ सकती है लेकिन इससे घटेगी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये कॉइन है 2 रुपीज देश बंधु चित्रंजन दास का हैदराबाद मिंट का कॉइन, तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर कॉइन है। अगर हैदराबाद मिंट कैसे पहचानते हैं ये आपको नहीं पता, तो आपको बता दिया जाए कि जो बैक साइड में आप कॉइन के देखेंगे, जिसमें मिंटिंग ईयर लिखा रहता है, जहां मिंटिंग ईयर लिखा रहता है उसके नीचे स्टार का सिंबल होगा। अगर स्टार का सिंबल है 2 रुपीज का तो वो कॉइन में, तो वो हैदराबाद मिंट का कॉइन है, वो बहुत ज्यादा रेयर कॉइन है। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो अपने कलेक्शन में रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर कॉइन है। और अगर आपको वो कॉइन सेल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दी है, उस पर बोथ साइड इमेजेस सेंड करें जिसमें मिंटिंग ईयर और मिंट मार्क दोनों क्लियरली विजिबल हो। उसके अकॉर्डिंग हम जो उसकी कॉइन की वैल्यू होगी, जो जेन्युइन वैल्यू होगी, आपको दिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर है तो इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। इसके जो बायर्स होते हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कॉइन्स के बायर्स जो होते हैं वो नहीं मिलते जल्दी, लेकिन जो रेयर कॉइन होता है उसके बायर्स जो होते हैं बहुत जल्दी आसानी से मिल जाते हैं। ये कॉइन बहुत ही ज्यादा रेयर है फ्रेंड्स। तो आपके पास अगर ये कॉइन है या आपको कहीं से मिलता है तो अपने कलेक्शन में रखिए, अगर आपको सेल करना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप एक कलेक्टर हैं, आपको कलेक्शन में चाहिए कोई कॉइन्स या नोट्स या जो आपके कलेक्शन में नहीं है, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, चाहे नोट्स हो, कॉइन्स हो, बुक्स हो, या कॉइन से रिलेटेड कोई एसेसरीज हो, कॉइन होल्डर्स हो गए, नोट स्लीव्स हो गए, बुक्स, कैटलॉग, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। अगर आपको वो चीजें भी चाहिए अपने कलेक्शन के लिए तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और दबा दीजिएगा बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली है सबसे पहले देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।